हेलो फ्रेंड्स दोस्तों वैसे तो जब हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट होता है और उनका तलाक का केस कोर्ट में जाता है तो उन दोनों को ही एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है यानी कि जो डिवोर्स का प्रोसीजर होता है वो बहुत लेंदी होता है और जिसमें पांच से छह साल आराम से लग जाते हैं लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की यानी कि जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों डिवोर्स के लिए एग्री होते हैं और दोनों जाकर के कोर्ट से अपना डिवोर्स ले लेते हैं अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डिवोर्स के लिए एग्री है और दोनों ही डिवोर्स चाहते हैं तो ऐसे में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्या स्टेप उन दोनों को लेने होंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रोसीजर जानने से पहले ये जानेंगे कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डिवोर्स के लिए एग्री है तो वो दोनों अपना केस किस Plus किस कोर्ट में डाल सकते हैं सबसे पहले दोस्तों जहां पर हस्बैंड और वाइफ दोनों लास्टली रेजाइडेड हो यानी की हस्बैंड और वाइफ जिस जगह पर लास्टली रहे हो उस प्लेस के जुरिस्ट्रिक्शन में जो भी कोर्ट आती है उस कोर्ट में वो अपने डिवोर्स पिटिशन डाल सकते हैं. सेकेंडली जहाँ पर उन दोनों की मैरिज हुई है वहाँ पर भी वो डिवोर्स डाल सकती है और लास्टली यानी कि थर्डली वो उस जगह पर डिवोर्स डाल सकते हैं, जहाँ पर अभी प्रजेंट टाइप में वाइफ रह रही है तो ये तीन जगह है जहा पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अपना डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में डाल सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही डिवोर्स लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा दोस्तों अक्सर ही ये देखा जाता है कि जब हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट होता है तो दोनों में से कोई भी एक जाकर के अपना कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं और दूसरी पार्टी को कोर्ट में सम्बन्ध के थ्रू बुलाया जाता है और ऐसे में जब एक लंबा प्रोसीजर चलता है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही फेडअप हो जाते हैं और वो दोनों ही फिर अपना डिवोर्स जाते हैं एक कंडीशन तो दोस्तों ये होती है दूसरी कंडीशन ये होती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अब उनको साथ नहीं रहना है और अब उनको डिवोर्स लेना है तो जो पहली कंडीशन मैंने बताई उस कंडीशन में तो अगर उनका डिस्प्यूट कोर्ट में पहले से चल रहा है ऐसे में क्या होता है कि वो फिर जज के थ्रू मीडिएशन सेंटर में जाते हैं यानी कि वो कोर्ट में ये कहते हैं कि वो अपने मैटर को सेटल करना चाहते हैं जज के ऑर्डर से दोनों पार्टीज मीडिएशन सेंटर में जाती है और वहां पर उनका एक सेटलमेंट रिटर्न में ड्राफ्ट किया जाता है जिसमें उन दोनों की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाती है और ये भी लिख दिया जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ को एलिमनी दे रहा है तो वो कितनी दे रहा है सब कुछ जो भी उनका डिसाइड होता है दोनों का वो उस सेटलमेंट में लिख दिया जाता है और उस सेटलमेंट के थ्रू ही उन दोनों को फिर म्यूचुअल डिवोर्स मिल जाता है ये बात तो रही दोस्तों उस केस में जिसमे हसबैंड और वाइफ ने किसी ने भी अपना डिवोर्स का केस कोर्ट में डाल रखा है और वो चल रहा था अब हम बात करते हैं उस केस की जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एग्री है डिवोर्स के लिए और दोनों ही अपना डिस्प्यूट सोल्व करके कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले उन दोनों को एक एग्रीमेंट बनवाना होता है या तो वो दोनों वकील के थ्रू अपना एग्रीमेंट बनवा ले या फिर अगर वो खुद में इतने कैपेबल है कि वो दोनों अपना एग्रीमेंट बना सकते हैं वो दोनों अपना एग्रीमेंट बना ले जिसमें वो अपनी जितने भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सब लिख ले जैसे भी उनको डिवोर्स लेना है जितनी भी एलमनी वाइफ हस्बैंड से चाहती है या फिर अगर बच्चा है तो ये भी डिसाइड कर ले कि उनका जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा हस्बैंड की तरफ से जो भी वाइफ को एलमनी दी जाएगी वो सारी चीजें वो उस एग्रीमेंट में लिख ले वो तो एग्रीमेंट रेडी करने के बाद उस एग्रीमेंट को अटेस्ट कराना होता है नोटराइज कराना होता है जो कि नोटरी वाला कर देता है ये या तो आप खुद कैपेबल है तो खुद कर सकते हैं अदरवाइज एडवोकेट आपको ईजिली ये सारी चीजें करके दे सकता है है उसके बाद में क्या होता है कि जब आपका एग्रीमेंट रेडी हो जाता है उस पे दोनों के सिग्नेचर हो जाते हैं फोटो लग जाती है उसके बाद में आपको जाना होता है 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 वकील वकील के पास अब वकील क्या करता करता कि आपकी एक डिवोर्स फाइल दोस्तों तो जब हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही कंसेंट से मैचुअली डिवोर्स really लिया जाता है तो उन दोनों की पिटीशन भी साथ में ही जाती है यानी यानी कि सिर्फ एक ही पिटिशन ड्राफ्ट की जाती है अलग अलग से उन दोनों की पिटिशन नहीं जाती है एक ही फाइल रेडी होगी एक ही पिटिशन बनेगी और उस पिटीशन में दोनों के सिग्नेचर होंगे फोटोज वगैरह सब कुछ उसी में होगा अब जैसे ही पिटिशन रेडी हो जाती है वो पिटिशन कोर्ट में फाइल कर दी जाती है दोस्तों पिटिशन फाइल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपकी कोर्ट में डेट लगती है और उस डेट पर हस्बैंड और वाइफ दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है दोस्तों इसके लिए आप अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग एडवोकेट भी हायर कर सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एक ही एडवोकेट हायर कर सकते हैं जो आप दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है तो जब आपकी कोर्ट में अपियरेंस होती है जैसा आपसे आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके आंसर आपको देने होते हैं उसके बाद में अगर जस्ट साहब को लगता है कि दोनों पार्टी एग्री है उनके ऊपर कोई किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसा नहीं कर रही है तो तो जस्ट साहब दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देते हैं जिसमें जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो सारी रिकॉर्ड की जाती है उसके बाद में दोनों के सिग्नेचर होते हैं वकील के सिग्नेचर होते हैं और अगर कोई भी एलमनी देनी होती है तो फर्स्ट मोशन पे आपको जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट मोशन पे आपको अपनी वाइफ को एलमनी देनी होती है जैसे ही आप एलमनी दे देते हैं आपका फर्स्ट मोशन कम्प्लीट हो जाता है दोस्तों अब बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जैसे ही हमारा फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में कोर्ट आपको छह महीने का टाइम देती है जिसको हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं तो दोस्तों छह महीने का टाइम देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक मैट्रिमोनियल मामला है और अक्सर ये देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं लेकिन कोर्ट भी ये समझती है कि हस्बैंड और वाइफ में इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं होता कि वो दो, उन दोनों को अलग होना पड़ जाए इसी वजह से कोर्ट हस्बैंड और वाइफ दोनों को सिक्स मंथ्स का टाइम देती है जिससे कि अगर उन दोनों के बीच में सुलह हो सकती है तो वो सुलह कर ले इस सिक्स मंथ्स के टाइम को हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में कोई भी सुलह नहीं होती है छह महीने का टाइम ऐसे ही निकल जाता है तो दोस्तों फिर आपका सेकेंड मोशन कराना होता है जिसमें जैसे कि हमने पहले मोशन में पिटिशन रेडी करी थी सिग्नेचर वगैरह सब कुछ हुए थे सेम एज इट इज ऐसे ही हम सेकेंड मोशन की पिटीशन फाइल रेडी करते हैं दोनों की साथ में रेडी होगी उसके बाद कोर्ट में अपियरेंस होती है उसपे साहब आपसे फिर से क्वेश्चन पूछते हैं दोनों पार्टी से और उसके बाद अगर साहब आपको लगता है कि दोनों पार्टीज एग्री है और यहाँ पर रिकनसिलेशन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो जज साहब आपकी फिर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं और स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाने के बाद में आपके सब सिग्नेचर वगैरह हो जाने के बाद में आपका डिवोर्स हो जाता है अब दोस्तों हम बात करते हैं सिक्स मंथ्स के सेपरेशन की कि सिक्स मंथ्स का सेपरेशन कि किन लोगों को दिया जाता है दोस्तों जो लोग न्यू मैरिड होते हैं और जिन लोगों की शादी को वन ईयर कंप्लीट नहीं हुआ होता है उन लोगों को सिक्स मंथ्स का कूलिंग पीरियड दिया जाता है क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स लिया जाता है उसमें ये कंडीशन होती है कि आप दोनों को वन ईयर का सेपरेशन जरूरी होता है और वन ईयर के सेपरेशन के बाद ही आप दोनों डिवोर्स ले सकते हैं तो दोस्तों आजकल ये देखा जाता है कि जैसे ही शादी होती है उसके दो तीन महीने बाद ही दोनों में डिस्प्यूट होता है और वो दोनों के दोनों कोर्ट में आ जाते हैं तलाक लेने के लिए ऐसे में उन दोनों को कोर्ट सिक्स मंथ्स का टाइम देती है एक तो उनको इसलिए भी टाइम दिया जाता है कि हो सकता है की दोनों अभी न्यूली मैरिड है हो सकता है इन दोनों के बीच में रिकनसिलेशन हो जाए दोनों की सुलह हो जाए और ये फिर फिर से साथ रहने की सोच ले एक तो कोर्ट का ये पर्पज होता है सिक्स मंथ्स का कूलिंग पीरियड देने का और दोस्तों दूसरा एक ये भी होता है कि ये एक कंडीशन होती है कि वन ईयर का सेपरेशन जरूरी होता है तो अगर आप न्यूली मैरिड है और, और दो तीन महीने ही आपकी मैरिज चल पाई है और अब आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो, तो उसके लिए वन ईयर का सेपरेशन जरूरी होता है और उस वन ईयर के पीरियड में आप दोनों को कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने होते हैं आपस में और किसी भी तरह का ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जो आप दोनों को हस्बैंड और वाइफ की तरह शो करे अगर हस्बैंड और वाइफ में फिजिकल रिलेशन हो जाते हैं तो जो वन ईयर का सेपरेशन होता है वो नहीं कंप्लीट हो पाता है क्योंकि ये कंडीशन होती है कि अगर वन ईयर तक दोनों के बीच में कोई को नहीं होता है कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग रह रहे होते हैं तभी आपका म्यूचुअली डिवोर्स हो पाता है अदरवाइज नहीं होता है तो दोस्तों ये सिक्स मंथ्स का टाइम भी इसी वजह से दिया जाता है कि अगर दोनों रिकंशिलेशन करना चाहते हैं तो दोनों कर सकते हैं और अगर छह महीने तक भी हस्बैंड और वाइफ दोनों में कोई रिकन्शिलेशन नहीं होती है दोनों आपस में बात नहीं करते हैं ना ही किसी भी तरह की ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये साथ रह सकते हैं तो कोर्ट आपका डिवोर्स करा देती है दोस्तों अब यहां सवाल आता है जिन लोगों की शादी को टाइम ज्यादा हो जाता है उन लोगों का क्या होता है तो दोस्तों जिन लोगों की शादी वन ईयर से ज्यादा की होती है दो साल तीन साल ऐसे होती है और उन लोगों का वन ईयर का सेपरेशन भी होता है ऐसे में जो सिक्स मंथ का कूलिंग पीरियड होता है दोस्तों उन लोगों को नहीं दिया जाता उसमें क्या होता है कि आपके वकील को जो सिक्स मंथ्स का कूलिंग पीरियड है इसको वेव करने के लिए टाइम वेव करने के लिए एक एप्लीकेशन लगानी होती है कोर्ट में उस एप्लीकेशन पे आर्ग्यू होती है और अगर जस्ट साहब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इन दोनों की मैरिज को ज्यादा टाइम हो चुका है और दोनों एक साल से ज्यादा टाइम से अलग रह रहे हैं और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है साथ में रहने की तो ऐसे में जो सिक्स मंथ्स का टाइम दिया जाता है उसको वेव कर दिया जाता है और जैसे ही सिक्स मंथ्स का टाइम वेव कर दिया जाता है तो आप अपना सेकेंड मोशन तुरंत डाल सकते हैं क्योंकि उसके बाद फिर आपको सिक्स मंथ्स तक वेट करने की नींद नहीं है आप आराम से जैसे ही आपका सिक्स मंथ्स का टाइम वेव होता है यानी कि आपकी एप्लीकेशन पेजस आप ऑर्डर कर देते हैं और आपका वो सिक्स मंथ का टाइम वेव कर देते हैं तो आप अपना सेकंड मोशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं उसके लिए आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है आप एक महीने बाद पंद्रह दिन के बाद जब भी आप चाहे अपना सेकंड मोशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं उनको मैक्सिमम थ्री टू फोर मंथ में डिवोर्स मिल जाता है तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी थैंक यू दोस्तों